नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो, इसमें हम बात करेंगे डी टी प्लस बी की तरफ से हाल ही में जो एक जब महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है, और अगर आप इस पूरी अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 19/1/2022, हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुई है। और अपडेट क्या है, तो डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो नवंबर के महीने में यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिए गए थे, तो इनके जो यहाँ पर आंसर आंसर की जो है जारी हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम थे। सीरियल नंबर दिया गया है, पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड और कब कौन सी डेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो फीस कलेक्टर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, पोस्ट कोड 99/20, 17/11/2021 को। उसके बाद फीस कलेक्टर सब इंस्पेक्टर का था यहाँ पर 18 तारीख को, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर डिफेंड अप में था 22 तारीख को। उसके बाद फीस कलेक्टर का था और टेक्निकल असिस्टेंट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फीस कलेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट फीस कलेक्टर, रिकॉर्डर, लाइब्रेरियन असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम लिए गए थे, तो 30 तारीख तक यहाँ पर एग्जाम हुए थे, 30/11/2021। तो इनकी यहाँ पर आंसर की आ चुकी है, और कुछ महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। कैंडिडेट हु हैड अपियर इन द एग्जामिनेशन फॉर द अबो सैड पोस्ट ऑन दिस डेट्स में व्यू द फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की विच कैन बी व्यू बाय द कैंडिडेट्स बाय गोइंग टू द लिंक गिवन बिलो। तो यह आपके आंसर की आ चुकी है। उसके बाद नंबर 3 है, जहाँ पर कहा गया है कि आप जो यहाँ पर आंसर की है उसको 19/1/2022 से 23/1/2022 तक देख सकते हैं। तो इतने दिन का समय है, तो इतने दिन तक आप आंसर की को देख सकते हैं, उसके बाद आपकी आंसर की वाला जो लिंक है वो काम नहीं करेगा। नंबर 4 में कहा गया कि आंसर की आर नो फाइनल एंड रिमेन अनचेंज। तो ये जो यहाँ पर आंसर की आई है ये फाइनल आंसर की है और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो जाए यहाँ पर लेटर था। अब इनकी वेबसाइट पर चलते हैं कि किस तरीके से आप अपने आंसर की को देख सकते हैं। तो इस समय जब यहाँ पर जो डी टी प्लस भी जो है इनकी जो मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की ऑफ 13 पोस्ट फॉर द डी टी प्लस बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। तो जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर ये लेकर आएगा। तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, ये वही वाला पेज है जहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। सेम प्रक्रिया जब वैसे ही रहेगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन कर देने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, उसमें जो आप साइड में पर्सनल डिटेल दी गई होगी, ऐसे ही जो है उसमें आंसर की का ऑप्शन दिया गया होगा और ऑब्जेक्शन लिंक तो होगा नहीं। तो ये जो है इसमें इस तरीके से वहाँ पर दिया गया होगा। तो और जो ग्रीन कलर में जो यहाँ पर टिक लगा होगा तो वो जो है आप डी टी प्लस बी है उसकी तरफ से सही आंसर माना गया है। आंसर की का मिलान आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये याद होगा कि आपने कौन सा आंसर सही फील किया था, और कोई दूसरा माध्यम इसमें नहीं है। तो बस यही जो एक तरीका है जिससे आप अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जो कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का जो समाधान है ये जरूर जो है दूर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आंसर की जो उसको देख सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद।